कल वाले प्याज के परांठे घर में सबको बहुत पसंद आए, तो सबने कहा अब आलू के साथ कोई नई डिश बना के दिखाओ। तो मैंने कहा चलो आज इन सबको खिलाती हूँ आलू का लच्छा परांठा, वो भी एक ऐसे स्टाइल का जो आज तक आपने भी कभी ट्राई नहीं किया होगा। आप अगर एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो इसके दीवाने ही हो जाएंगे, एकदम फैन बन जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल ईजी एंड टेस्टी। तो चलिए बढ़िया रेसिपी शुरू करते हैं और साथ में बनाएंगे एक बहुत बढ़िया सब्जी। वैसे तो इन परांठों के साथ सब्जी की ज़रूरत ही नहीं है लच्छा परांठों के साथ, लेकिन चलो फिर भी बना ही लेते हैं और बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। आपने आलू के परांठे इस तरह से कभी भी ट्राई नहीं किए होंगे। और अगर आप चाहते हैं कोई नई रेसिपी तो जल्दी से आ जाइए देखने के लिए। सबसे पहले लेंगे दो आलू, ये उबले हुए आलू थे, अच्छे से ठंडे हो गए। उसके बाद मैंने इन्हें ग्रेट कर लिया। उसके बाद हम इनको एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब डालेंगे थोड़े से खास मसाले, आधा चम्मच मैंने कलौंजी के बीज डाले, अगर आपको ना पसंद हो स्किप कर दीजिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आधा चम्मच अजवाइन डाल दिए, आधा चम्मच डाल देंगे नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, इससे हमारे पराठे बहुत ज़्यादा चटपटे और करारे बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम अदरक और हरी मिर्च नहीं डालेंगे। अब डालेंगे एक चम्मच सफ़ेद तिल, वो तो ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि खाने का बहुत बढ़िया टेस्ट देते हैं। एक चम्मच चाट मसाला डाल दिया, बस यही मसाले बेसिक से जो घर की मसालेदानी में मौजूद होते हैं। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देंगे एक चम्मच के लगभग। अब डालेंगे 1.5 कप के लगभग गेहूं का आटा, वैसे आप चाहें तो 2 कप भी डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा से क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। अब बिल्कुल 2 से 3 चम्मच बेसन डाल देंगे, क्योंकि हल्दी नहीं डाली और इससे पराठे बहुत खस्ता बनेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मल मल के बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है और ना ही बहुत हार्ड, हार्ड डो तो लगेगा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर हमने आलू डाला है, तो बहुत बढ़िया एकदम नरम मुलायम और इतने खस्ता, अंदर से ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम नरम मुलायम, बहुत बढ़िया पराठे बने और बिल्कुल नए तरीके के। कोई कोई तो यूं ही कह देगा कि ये चूर चूर नान जैसे लग रहे थे, सच्ची बता रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई जरूर कीजिए। ये देखिए आटा गूंथ के तैयार हो गया बातों बातों में। अब इसको ढककर 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। अच्छे से आटे को मैंने मल मल के 1 से 2 मिनट तक गूंथ दिया है। अब साथ में खाने के लिए थोड़ी सी सब्जी बना लेते हैं। उबले हुए चने पड़े थे, मैंने कहा चलो आज इनको फटाफट तड़का लगाते हैं। एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला 1 टेबल स्पून, एक चम्मच जीरा, थोड़ी सी काली मिर्चें, 2-3 तेज पत्ते डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून डाल दीजिए हींग, हींग डालनी जरूरी है तभी अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब एक चम्मच बारीक चॉप की हरी मिर्च डाल देंगे, साथ में 1 चम्मच अदरक और लहसुन का बारीक चॉप किया हुआ। अगर आप अदरक और लहसुन यानी कि सॉरी लहसुन ना खाते हो तो उसको स्किप कर दीजिए, प्याज को भी स्किप कर दीजिए, बाकी सारी रेसिपी सेम रहेगी। जब सारी चीज़ें अच्छे से भून जाएंगी तब डाल देंगे इसके अंदर प्याज। प्याज को मैंने बारीक चॉप नहीं करा, लंबे लंबे लच्छे निकाले हैं। आप एक बार छोले, रस्मी से छोले इसको कहते हैं पंजाबी स्टाइल, इस तरह से बना के देखिए, उसमें प्याज के लंबे लच्छे निकालिए ना कि छोटे टुकड़े, देखिए खाने में बहुत मज़ा आ जाएगा। जब प्याज अच्छे से भूनकर ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। 2 टमाटर थे उनको मैंने अच्छे से पीस लिया और प्यूरी जैसा सा बना लिया है, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा सामान डालेंगे ही नहीं, फिर भी उसके बावजूद इतने टेस्टी चना मसाला बनके तैयार हुआ है। ना ही मैंने इसमें चना मसाला का इस्तेमाल किया है, पर आप सेम रेसिपी कॉपी कीजिए, आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कीजिए। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और साथ में आधा चम्मच लाल मिर्च डाला है, 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें, और कश्मीरी लाल मिर्च ना डालना चाहें तो ना डाली, क्योंकि टेस्ट नहीं आता, सिर्फ कलर के लिए डालनी होती है, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। अब अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और लगातार इसे भूनते रहेंगे। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब्जी वैसे नहीं बना रहे हैं, बस इस तरह से अच्छे से टमाटर जो है मिक्स हो जाए। अब 1 कप मेरे पास पूरे उबले हुए चने पड़े थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये देखिए कितने अच्छे जो हैं अभी से लग रहे हैं देखने में, ये वो छोले नहीं हैं जो हम आमतौर पे छोले चावल के साथ बनाते हैं, ये छोले तो स्पेशली पराठे के साथ ही बनाए जाते हैं। अब इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और ढककर इसे 10 से 12 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। 10-12 मिनट में ये पानी काफ़ी हद तक सूख जाएगा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ना तो पानी को सुखाना है और ना ही बहुत तरी वाले रखने हैं। ये छोले ऐसे बनते हैं जैसे कि हम प्लेट में रख के आराम से खा सकें। उम्मीद है आप सबको रेसिपी पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार बोलती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब इसमें डाल देंगे, 10 मिनट मैंने ढककर पका लिया, ऑयल आपको दिख रहा होगा ऊपर रिलीज़
हो गया, तो बस डाल दिया एक चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी तो ऐसी ही होती है कि आप डालिए किसी भी सब्जी में और पूरी किचन के अंदर एक अलग ही खुशबू लाजवाब आ जाती है। और मेथी वैसे भी जो है आपको नुकसान नहीं करेगी कभी भी, ना गर्मी में ना सर्दी में, बल्कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके लिए तो ये सूखी मेथी, कसूरी मेथी, हर चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है। अब डाल देंगे इसके अंदर हरा धनिया, बस हमारे लटपटे छोले जो है वो तैयार है। एक क्या आपने कभी वो लपेटू छोले का नाम सुना है? लपेटू राम छोले बहुत बढ़िया बनते हैं, और ना उसमें प्याज ना लहसुन कुछ नहीं, ना ही टमाटर। एक बार मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी, आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, बहुत बढ़िया छोले बनके तैयार होते हैं। बस अब हमारे छोले तैयार हैं तो साइड में रख देते हैं। इतनी देर आटे ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है तो इसके अंदर से बड़ी बड़ी लोई निकाल लेंगे। टोटल इसमें जितना आटा मैंने गूंदा था ना, चार ही लोई निकली है, क्योंकि हमें जो पराठे बनाने हैं ना वो बिल्कुल आज अलग तरीके से बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा आटा लगाते जाएंगे सूखा, और इसको जितना ये आपको मेरा चॉपिंग बोर्ड दिख रहा है ना, इतनी बड़ी रोटी मैंने बेलकर तैयार कर ली है, इसीलिए जो है मैंने इतना बड़ा जो है वो लोई ली थी, क्योंकि एक ही लोई के अंदर हम तीन पराठे फटाफट से बेलकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए अब मैंने इसे बिल्कुल चॉपिंग बोर्ड जितना फैला लिया, आप चाहें तो किचन काउंटर पर आराम से फैला लीजिए। अब इसके ऊपर घी या ऑयल जो आपका मन हो वो अच्छे से लगाएंगे, और हल्का सा आप चाहें तो सूखा आटा डाल सकते हैं, पर ज़रूरत है नहीं। अब इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने डेढ़ डेढ़ दो दो इंच की चौड़ी जो है वो स्ट्रिप्स निकाल ली हैं। इस तरह से पराठा बनाने से एकदम लच्छे लच्छे बनेंगे और इसके अंदर इतनी अच्छी लेयर्स आएंगी। अब सबसे पहले मैं किनारे वाली जो दोनों लेयर है ना, क्योंकि वो सबसे छोटी होती है, तो मैं किनारे वाली लेयर्स को आपस में लपेट रही हूँ। इस तरह से दो दो लेयर जो है, या डेढ़ जितना बड़ा आपको पराठा बनाना हो ना, उसके हिसाब से लपेट कर तैयार कर लीजिए। मैंने साइज़ आज बहुत छोटा रखा है, ताकि एक ही बार मैंने तवे के ऊपर ना पांच जो पराठे आपको मैं सेक कर दिखाऊंगी और वो बहुत टेस्टी बनेंगे। आप ये ना सोचें कि वो बिल्कुल भी कच्चे बनेंगे। ये देखिए इसके अंदर अलग से ही लेयर आपको नज़र आ रही है ना, इसी तरह से हमारे पराठे के अंदर भी लेयर्स बन जाएंगे। बस इस तरह से सारे रोल पहले हम आराम आराम से बनाकर तैयार कर लेंगे, तो कोई जल्दबाजी भी नहीं होगी और ये काम हम बड़े आराम से कर सकते हैं। वैसे अब चाहें तो थोड़ी देर नाश्ते से पहले, यहाँ तक कि रात को भी ये करके रख सकते हैं, और फिर इसको किसी एयरटाइट डब्बे में रखिए और ढककर और अच्छे से बंद करके फ्रिज में रख दीजिए। फटाफट बस सवेरे नाश्ते के समय इसको सर्व कर दीजिए। ये एक ऐसा नाश्ता है जो सबको बहुत पसंद आएगा, इवन टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं, सबको बहुत अच्छा लगेगा। बस इस तरह से मैंने सारी लोइयां जो हैं बनाकर तैयार कर ली हैं। बहुत अच्छे हमारे पराठे बनकर तैयार होंगे। एक बार मेरे कहने से आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करें। देखिए कितने सारे पराठे बन गए। अब मैंने सबके ऊपर थोड़े थोड़े से कलौंजी के बीज, जो कलौंजी के बीज होते हैं पराठे में बहुत अच्छे लगते हैं, और थोड़ा थोड़ा हरा धनिया जो है वो इस तरह लगा दिया। बाजार में भी वो इसी तरह से लोइयां बना के रख लेते हैं। वैसे आप चाहें तो इनके तंदूरी पराठे भी बना सकते हैं, लेकिन आज तो मैंने नॉर्मली पराठे बनाए हैं। बस इस तरह से अब एक एक लोई लेंगे और उसको बेल लेंगे। पतला आप जितना मर्जी बेल लें, लेकिन मैंने आज ज़्यादा पतला नहीं बेला है। छोटे छोटे प्यारे प्यारे पराठे बनाए हैं, बिल्कुल टिक्की की शेप के और टिक्की के ही साइज़ के। इसी तरह से बस हम सारी लोइयों को थोड़ा थोड़ा ही बेलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बेलेंगे, और बहुत हल्के हाथ से बेलेंगे, ताकि जो है ये इसके अंदर की लेयर्स जो हैं वो आपस में चिपक ना जाए। ये देखिए मैंने सारे पराठे इस तरह बेलकर तैयार कर लिए। अब अपना नॉन स्टिक तवे के ऊपर, और अगर आपके पास नॉर्मल तवा है तो उस पर तीन तो आराम से सिक जाएंगे। वैसे आप चाहें तो थोड़े बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, पर एक बार रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। बिल्कुल गैस का फ्लेम लो कर देंगे, और जब एक तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे तो हम इसे पलट कर दूसरी तरफ से सेक लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से सेकना ज़रूरी है, वरना पराठे जो है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। और वैसे पर कच्चे ये रहेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसमें आलू डाला है ना, तो ये बहुत नरम बनेंगे। अब ऊपर से आप घी लगाइए या रिफाइंड ऑयल, जो आपको पसंद हो, जैसा आप कैलोरी के हिसाब से पसंद करते हो। बस इसको सेक लीजिए, और गर्मा गर्म जब दोनों तरफ से एकदम सुनहरे सिक जाए ना, पलट पलट के सेकिए। पूरे पाँच पराठे हैं, वैसे भी अगर आप पराठा सेकेंगे दो मिनट जाते हैं एक में, तो इसमें 8 से 10 मिनट का टाइम तो लगेगा, पर एक बार में 4-5 पराठे आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कितने खस्ता, कुरकुरे और सुनहरे बनकर तैयार हुए हैं। बस अब हम इनको उतार लेंगे, और बाकी के जो 2-3 बच गए हैं वो मैंने सेकने के लिए रख दिए हैं। पर ये है कि मैं तो अपनी वीडियो को कम्प्लीट करूँ और सर्व करूँ। ये देखिए छोलों में मैंने थोड़ा पानी रहने दिया था, ठंडा होने के बाद जो है वो थोड़ा सा पानी जो है और गाढ़े हो जाते हैं। बस इस तरह से टमाटर, अदरक की लच्छा और हरा धनिया डाल दीजिए। आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल दीजिए थोड़ी सी कटी हुई, तो नाश्ते का मज़ा ही आ जाएगा।
मुझे तो हरी मिर्च के साथ नाश्ता बहुत पसंद है। आप में से किस किस को हरी मिर्च बहुत पसंद है एक बार कमेंट करके बताइए, और आप कौन सी रेसिपी चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं वो भी बताइए, मैं ज़रूर कोशिश उसे बनाने की करूंगी। इससे हम लोगों को सजेशन भी मिल जाता है। पर जो भी ये रेसिपीज हैं इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये देखिए कितना खस्ता और एकदम लेयरदार कुरकुरा पराठा बन के तैयार हुआ है, और अंदर से एकदम नरम है क्योंकि इसको हमने आलू से तैयार किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी, मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बाय, फिर मिलेंगे कल नई रेसिपी में, तब तक के लिए एंजॉय, थैंक यू।